अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये 3 साल की बच्चे की पठानी की कटिंग करने वाले हैं। हम इसका सबसे पहले नाप लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। शोल्डर 5, हाफ राउंड 5, छाती में हमें आधा इंच बढ़ाना है, 6 छाती हमारी 6.5 पे लेंगे, कमर 5.5, सीट 5.5, शोल्डर से कमर 7.5, शोल्डर से सीट 12, पूरी लंबाई 16.5 है, हमें 18 लेनी है। कुर्ते का नाप डालेंगे। कुर्ते का नाप डालने के लिए हमें 4 डबल में खड़े में कपड़े की कड़ी डालनी है। तो पहले हम कपड़े की लेवल कर लेंगे। शोल्डर 5 है, हम 5.25 करेंगे, हाफ राउंड 5, एक इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ना है शोल्डर क्रॉस करने के लिए। यहां से हम हाफ राउंड का नाप लेंगे, 5, शोल्डर से कमर 7.5, शोल्डर से सीट 13, पूरी लंबाई 18 और 1 इंच फोल्डिंग के लिए। जहां पे 5 है वहां पे हम छाती का नाप लेंगे। छाती का नाप 6.5, 1 इंच सिलाई के लिए, 6 कमर, 1 इंच सिलाई के लिए, 6.25 सीट, 6.5 घेर, डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। यहां पे इसे हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे, हाफ राउंड का नाप डालेंगे, 2 इंच का गले का नाप लेंगे। 2 इंच पे गले का नाप लिया है, वहां से हम हाफ राउंड की तरफ क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा ये पठानी का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसकी कटिंग कर लेंगे। पठानी का हमने कटिंग कर लिया है। हाफ राउंड का नाप लेते हुए हम स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। इस तरह से राउंड करते हुए हमें इसका नाप लेना है। ये देखिए, 7.5 इंच छोड़ते हुए 6.5 पे हम हाफ राउंड का नाप लेंगे। 6.5 पे हमें कपड़े की घड़ी डालनी है, क्योंकि हमारे हाफ राउंड का नाप 6.5 है, इसलिए हम 6.5 पे इसकी घड़ी डालेंगे। 6.5 पे हमने घड़ी डाल दी है। ऊपर से 2 इंच पे हम डॉट करेंगे। हाफ राउंड की गोलाई के लिए हमने 2 इंच लिया है। यहाँ पे हम लाइन अप करेंगे, 6.5 पे डॉट करेंगे, 1 इंच अंदर लेते हुए हम इसे शेप दे देंगे। हमारे पठानी के स्लीव्स का नाप लेना है। यहां से स्लीव्स का नाप लेंगे, 11 है, हमें 12.5 की स्लीव्स लेनी है, इसलिए हम 10 इंच पे स्लीव्स की लंबाई लेंगे और 2 इंच कफ के लिए छोड़ेंगे। 10 इंच हमने स्लीव्स की लंबाई ली है, 1/2 इंच सिलाई के लिए लिया है। स्लीव्स की गोलाई है 3.5, 1/2 इंच सिलाई के लिए। यहां से हम इसे इस तरह से लाइन अप करेंगे, यहां से गोलाई देंगे। ये हमारे स्लीव्स की डायग्राम हो गई है। हमारे पठानी की कटिंग हो गई है। ये अब इसकी सलवार का डायग्राम देखेंगे। ये हमारे पठानी की सलवार है, सिंपल सलवार है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसका नाप लेना है। ये देखिए, 18, सलवार की लंबाई 18 है, बॉटम 4, लटक 8.5, कमर की चौड़ाई है 8.5। पठानी सलवार के लिए हमने ये इस तरह से कपड़े की घड़ी डाल दी है। 4 डबल में हमने कपड़े की घड़ी ली है। ये 1.5 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हम कमर का नाप डालेंगे, कमर का नाप है 8.5। यहां से हम सलवार की पूरी लंबाई लेंगे, सलवार की पूरी लंबाई है 18,
डेढ़ इंच फोल्डिंग के लिए जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे हम लाइन अप करेंगे। यहाँ पे बॉटम लेंगे, बॉटम हमारी 4.5 है, 4.5 पे डॉट करेंगे, ये 4.5 मार्जिन के लिए 1 इंच ये बॉटम पे क्रॉस करेंगे। यहाँ से हम लटक लेंगे, लटक है 8, यहाँ पे 1.5 इंच आगे रहते हुए इसे गोलाई देंगे और यहाँ से हम सलवार को इस तरह से इसमें मिला लेंगे। ये हमारी सलवार की डायग्राम हो गई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने सलवार की कटिंग कर ली है, अब हम हमारे पठानी को सिलने का तरीका देखेंगे। हमें गले पे इस तरह की डिजाइन लेनी है, ये हमारा बड़े में का कुर्ता है, इस तरह की हमें ये इस पे छोटे पठानी के ऊपर इस तरह की डिजाइन करनी है। हम इसके लिए सबसे पहले ये सामने की बटन पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये हमारा बचा हुआ कैनवस पेपर ले लिया है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे डॉट करेंगे, 1.25 इंच पे हमने जहाँ पे डॉट किया है वहां पे हम लाइन अप करेंगे। यहाँ पे हम इसे लेवल ड्रॉ करेंगे। यहां से हमें हमारे गले की कटिंग 6 पे रहेंगी और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, 7.5 पे लेंगे, इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहां पे हमने 7.5 पे डॉट किया है वहां से हम इसे इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये हमने कैनवस पेपर ले लिया है, ये एक्स्ट्रा में है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें गले की कटिंग देनी है, 1.5 इंच पे इस तरह से डॉट करेंगे। 1.5 इंच पे डॉट करते हुए हमें इसे जहाँ पे हमारा 6 पे डॉट है वहां से इसे इस तरह से क्रॉस में कट कर लेंगे। क्रॉस में कट करने के बाद हमें नीचे से भी इसे इस तरह का शेप देना है, इस तरह से हम इसे शेप देते हुए कट कर लेंगे। ये हमारी सी पट्टी तैयार कर ली है और इसके अंदर से हमें ये अंदर से इस तरह की पट्टी एक अटैच करनी है। उसके लिए हमने ये इस तरह से ये 5.5 की लंबाई में हमने ये बटन पट्टी ले ली है, 1 इंच चौड़ाई में इस तरह से कैनवस की पट्टी कट कर ली है। अब इसे हम कपड़े पे प्रेस करके देखेंगे हमें गले पे किस तरह से अटैच करना है। पठानी कटिंग होने के बाद हमने ये इस तरह से ये गले को प्रेस कर लिया है कपड़े के ऊपर। हमने जो दूसरी पट्टी ली थी उसे इस तरह से डबल में कपड़े को प्रेस कर लिया है और इसे एक एक कपड़े पे प्रेस कर लिया है। अब इसे सिलने का तरीका देखेंगे। उसके पहले हम इसे पठानी के ऊपर सबसे पहले सामने का गला तैयार कर लेंगे। सामने वाला फ्रंट ले लेंगे, बैक साइड निकालेंगे। फ्रंट पे हमें गहरी कटिंग भी करनी है हल्की सी और गले का डायग्राम भी डालना है। गले का डायग्राम डालने के लिए हमने ये इस तरह से 2 पे इसे गले को डाई करके रखा है। यहाँ पे हम 2.25 की लंबाई लेंगे, इस 2.25 पे हमने डॉट किया, 2.25 और 2 का बॉक्स तैयार करेंगे और इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम 1/2 इंच पे इस तरह से गोलाई देते हुए इसे भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पठानी की पूरी तरह से कटिंग हो गई है। इसको स्टिचिंग करते हुए हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके स्टिचिंग के साथ। ये हमने गला कट कर लिया है, स्टिचिंग करते हुए देखेंगे हमें किस तरह से सिलना है।